आई हैड अ रियलाइजेशन, इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बनाना तो बनता है इसके ऊपर. देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन हियर. आप सोचो, जब भी टीवी के ऊपर रामायण पे बेस्ड कोई शो आता है तो पूरी फैमिली देखने बैठ जाती है, जबकि फैमिली को ऑलरेडी, यानी मेंबर्स को ऑलरेडी पता है कि रामायण की स्टोरी क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस नो कि रामायण की स्टोरी क्या है. लोग इसीलिए नहीं देखते ताकि स्टोरी पता चले कि अच्छा फिर क्या हुआ था ना. बुक पढ़ते हुए सिमिलरली, राम की बुक पढ़ते हुए, द्रौपदी के बारे में पढ़ते हुए, सीता के बारे में पढ़ते हुए, और इवन रावण के बारे में पढ़ते हुए, यू नो कि स्टोरी कहाँ से शुरू होगी, स्टोरी कहाँ जाएगी और स्टोरी का एंड कहाँ पे है. बट स्टिल यू रीड इट. कोई सस्पेंस नहीं होता है इस तरह की कहानियों के अंदर कि आपको लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. ऐसा नहीं होता इन स्टोरीज में, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि अब क्या होगा. सो द बेसिक थिंग, द बेसिक USP ऑफ दीज काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इज द कैरेक्टर. हमें स्टोरी से ज़्यादा वी वॉन्ट टू नो द स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर. जब ओरिजिनल लिटरेचर पढ़ा जाता है तो उसमें स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है, कैरेक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. तो कुछ कुछ हिस्सा खाली नजर आता है उन कहानियों के अंदर कि ऐसा क्यों हुआ था, इस कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया था, या ऐसा कैसे हुआ था. ये जो गैप्स होते हैं इनको फिल करने की कोशिश की जाती है बुक्स के अंदर, फिक्शनलाइज्ड वर्क ऑफ माइथोलॉजी, या फिर टीवी शोज जो बनते हैं इसी माइथोलॉजी पे बेस्ड. हमें कभी पता नहीं चल सकता कि एक्चुअली शिव कैसे थे, या राम कैसे थे, या सीता की लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे फेस किया, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी. और ये हमें हमेशा इंट्रीक करता रहता है ये क्वेश्चन कि ये लोग कौन लोग थे और कैसे लोग थे. इसी चीज़ को यूज़ करते हुए या इसी चीज़ का आंसर देने की कोशिश के अंदर राइटर्स इस तरह के टीवी शोज लिखते हैं और इस तरह की बुक्स लिखते हैं. तो मुझे ये पता चला है कि कैरेक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टोरी इट्सेल्फ व्हेन इट कम्स टू माइथोलॉजी, बिकॉज द मिस्ट्री अराउंड अ पर्सनालिटी और द कैरेक्टर और द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर विल ऑलवेज इंट्रीग अ रीडर एज टू व्हाई, ऐसा क्यों और ऐसा किस लिए और ऐसे कैसे. इसका जवाब देने की कोशिश में राइटर्स पर्टिकुलर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर सारी कहानी लिखते हैं, जिसमें कहानी वही होती है जो हमें पता है, पर उसका पर्सपेक्टिव, उस कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव और उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है. हम कहानी से ज़्यादा इनको पढ़ते हुए कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं. आई एम थिंकिंग कि अब इस चैनल के ऊपर एक डिफरेंट साइड में जाते हुए हमारी इंडियन माइथोलॉजी दैट इज फिल्ड विद सो मैनी स्टोरीज, सो मैनी कैरेक्टर्स, इनकी कहानियाँ और इनके ऊपर लिखी गई कहानियों के बारे में बात करें, इनके कैरेक्टर के बारे में बात करें, जो कि डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने एक्सप्लोर करने की अपने काम के थ्रू कोशिश की है. इसी तरीके से आमिश ने रामचंद्र सीरीज में राम के कैरेक्टर को फर्स्ट बुक में, सीता के कैरेक्टर को सेकंड बुक में, और थर्ड बुक के अंदर रावण के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. इसी तरीके से आमिश ने शिवा ट्रिलॉजी के अंदर शिव के कैरेक्टर को और उनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स की बात की है, और चित्रा देवकर्णीज पैलेस ऑफ इल्यूजन, फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट ऑन द्रौपदी एंड सीता, देवदत्त पटनायक्स डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अबाउट डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स गॉडेसेस एंड डिफरेंट स्टोरीज ऑफ इंडियन माइथोलॉजी. शिवाजी सावंत मराठी राइटर है जिन्होंने कर्ण के ऊपर बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने कर्ण के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया है. इसी तरीके से कई सारी बुक्स लिखी गई हैं माइथोलॉजिकल फिक्शन जॉनर के अंदर, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, इनकी कहानियाँ, इस एक कैरेक्टर से जुड़ी हुई इतनी सारी कहानियाँ होती हैं जो हम नहीं जानते. अलग अलग लिटरेचर अलग अलग चीज़ें कहते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, कुछ लोग इनको सही मानते हैं, कुछ लोग इनको गलत मानते हैं, तो इट्स लाइक अ होल अनदर स्कोप. सो इस जॉनर के अंदर थोड़ा सा और अंदर जाते हुए इस पे बात करते हैं, इन कैरेक्टर्स के ऊपर और इन स्टोरीज के ऊपर बात करते हुए इस चैनल को आगे ले जाया जाएगा. तो ये वीडियो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी या फिर किसी चीज़ की भूमिका बांधते हुए एक वीडियो था, एंड
प्लीज़ डू लेट मी नो कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. और अगर आप इन सारी कहानियों को हिंदी के अंदर सुनना चाहते हैं तो आई एम ओपन टू इट. मुझे हिंदी आती है, जैसा कि ज़्यादातर आप लोग डाउट करते हैं कि आती है या नहीं, तो आती है मुझे. तो आई एम ओपन टू इट. आई हैव नो प्रॉब्लम्स हिंदी में बोलने में, या फिर अगर इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोलने में, या फिर कोई बीच का रास्ता निकालते हुए सब टाइटल डालते हुए. आई ट्राई समथिंग न्यू. दिस इज़ जस्ट एन अटेम्प्ट towards a different thing, a different genre, and exploring the different characters and the different stories that are part of our Indian culture and our Indian mythology. Because perfection is only a myth, and let's explore this myth together. So this is Ishita signing off.